नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लावा ब्लेज एक्स 5G वर्सेस वीवो वाई 200 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ब्लेज एक्स में 6.39 इंच जबकि वाई 200 प्रो 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो ब्लेज एक्स में 2.91 इंच जबकि वाई 200 प्रो 5G में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो ब्लेज एक्स में 0.33 इंच जबकि वाई 200 प्रो 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो ब्लेज एक्स में 183 ग्राम जबकि वाई 200 प्रो 5G में 172 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो ब्लेज एक्स में 6.67 इंचेस जबकि वाई 200 प्रो 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ब्लेज एक्स में 89.56% जबकि वाई 200 प्रो 5G में 90.1% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो ब्लेज एक्स में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि वाई 200 प्रो 5G में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो ब्लेज एक्स में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और वाई 200 प्रो 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो ब्लेज एक्स में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और वाई 200 प्रो 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो ब्लेज एक्स में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और वाई 200 प्रो 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो ब्लेज एक्स में माली G57MC2 जबकि वाई 200 प्रो 5G में एड्रीनो 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो ब्लेज एक्स में मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 और वाई 200 प्रो 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 मिलता है। बात करें रैम की तो ब्लेज एक्स में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की रैम मिलती है जबकि वाई 200 प्रो 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ब्लेज एक्स में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y200 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो लावा ब्लेज एक्स 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करिए वीवो Y200 Pro 5G की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y200 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 13 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।